नमस्कार दोस्तों, आपका मोस्ट वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे जो कि रेशम क्लासेस। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इग्नू की तरफ से जो जारी हुई है बहुत सारी नोटिफिकेशंस। तो ज़रूर से ज़रूर वीडियो को ज़रूर देखिएगा, आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो, क्योंकि अलग अलग रीजनल सेंटर से अलग अलग अपडेट निकल के आ रही है, लेकिन वो हर एक कैंडिडेट के लिए ज़रूरी है। लास्ट टाइम तक पीजी वाले कोर्सेज के लिए यहाँ पे एग्जामिनेशन की नोटिस आई थी, लेकिन अब यहाँ पे ऑनलाइन जितने भी बैचलर्स डिग्री में हैं उन सब के लिए भी यहाँ पे नोटिस रिलीज हो चुकी है। सारी मैं ऑफिशियल वेबसाइट से आपको खबरें दिखा रही हूँ, तो इसमें कोई शक की गुंजाइश तो है नहीं, क्योंकि मैं लॉग इन हूँ आपके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो कि है igno.ac.in, जो कि मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ ये वेबसाइट फेक नहीं है। आप फेक वेबसाइट पे ना जाएं, क्योंकि अलग अलग जगहों से मुझे खबर आ रही है कि कैंडिडेट बोल रहे हैं कि कोई हमें जो है बोल रहा है कि ओरिजिनल वेबसाइट ये नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दूं, igno.ac.in यही है इग्नू का ऑफिशियल वेबसाइट। आप किसी और वेबसाइट पे अपना नाम नंबर एक्सेट्रा शेयर ना करें, अपनी ईमेल आईडी वगैरह शेयर ना करें। ये मैं आपको ये अवेयरनेस आपको रखनी ज़रूरी है, क्योंकि सावधानी ही सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। तो और कोई भी कैंडिडेट इस चीज़ पे ना ध्यान दे कि आपको मैं आप पैसे दोगे तो आपको प्रमोशन मिलेगा और एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें जो हैं गलत बात है। मैं इसके लिए कभी सपोर्ट नहीं करती, और मेरी तरफ से कभी भी आपको इसके लिए नहीं कहा गया है कि आप पैसे दो तो आप प्रमोट हो जाओगे। तो इस बात को ध्यान में रखिए, मेरे नाम से अगर कोई आपसे पैसे भी मांगे फिर भी ना दीजिए। चलिए अब बात करते हैं कौन कौन से नोटिफिकेशन आई। सबसे इम्पोर्टेंट बात है आप सबके लिए ये जानना कि ऑनलाइन सबमिशन की जो डेट है वो 31 जनवरी है, ठीक है। ऑनलाइन प्रोजेक्ट सबमिशन की जो डेट है 31 जनवरी है। दिसंबर के एग्जामिनेशन फॉर्म, जो भी कैंडिडेट दिसंबर के एग्जामिनेशन फॉर्म भर रहे हैं, आपको बता दूं कि यहाँ पे आप सबके लिए अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 31/1/2021, और इसी के साथ साथ आपको ₹1,000 फाइन लगेंगे। आपके कोर्स के जितने भी फीस होते हैं, जैसे कि ₹150 पर कोर्स के हिसाब से आपका एग्जामिनेशन फी, चाहे आपका थ्योरी है चाहे प्रैक्टिकल, आपको ₹150 लगते हैं, और उसी के साथ आपको 1,000 एक्स्ट्रा। सपोज हम बता आपको बताते अगर आपको आपके सब्जेक्ट्स के फ़ी के टोटल हुए ₹1,000, तो आपको और ₹1,000, यानी टोटल आपको ₹2,000 देने होंगे। सपोज़ मैंने कहा आपको आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं उसके जितने भी बिल होते हैं, उसके जितने भी आपका यहाँ पे फ़ी होता है, उसके बाद आपका जो ₹1,000 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपकी गलती है, आपने इतनी देर कर दी तो इस वजह से। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान दें कि यहाँ पे आप क्लिक हियर, यहाँ पे लिस्ट आप ज़रूर देख लें। अगर ये चीज़ें आप देख लेते हैं कि आपका जो है एग्जामिनेशंस का लिस्ट कि कहाँ पे आपका सेंटर है, और इग्नू की तरफ से एक नई अपडेट और है, नोएडा, यानी नोएडा रीजनल सेंटर से यहाँ पे आप सब के लिए स्टडी मटेरियल का रिटर्न का यहाँ पे इंफॉर्मेशन आया। जो कैंडिडेट द लर्नर हुज नेम अपियर इन द फॉलोइंग लिस्ट आर एडवाइज टू कलेक्ट द स्टडी मटेरियल फ्रॉम इग्नू रीजनल सेंटर नोएडा ऑन वर्किंग डेज पॉजिटिवली 29 जनवरी 2021। तो आप जाके जो भी कैंडिडेट नोएडा रीजनल सेंटर के हैं, जाके अपने स्टडी मटेरियल को कलेक्ट कर सकते हैं अपने रीजनल सेंटर से, क्योंकि आपका रीजनल सेंटर में आपका स्टडी मटेरियल जो है वापस चला गया है, रिटर्न्ड हो गया है। ये जो नाम है आप देख सकते हैं लिस्ट में आपका भी नाम है। अगर आप नोएडा रीजनल सेंटर से हैं तो आपका भी इसमें नाम ज़रूर होगा, तो आप जाके ज़रूर से चेक कर ले। इतने सारे कैंडिडेट का रीजनल सेंटर्स में स्टडी मटेरियल है, आप वहाँ से कलेक्ट कर सकते हैं। लिस्ट 1 एंड 2, ये है आपका लिस्ट 2, जिसमें आपके 1 से लेकर 35 तक आप देख सकते हो कि 35 पेज है इसमें, और इसमें हर एक पेज में आप देख रहे हो कि कितने हैं, हर एक पेज में यहाँ पे ऑलमोस्ट 160 कैंडिडेट के नाम है। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे कैंडिडेट हैं जिसके यहाँ पे स्टडी मटेरियल रिटर्न हो गए हैं, जाके ले लीजिए अपने स्टडी मटेरियल। और उसी के साथ आपको बस एक आईडी प्रूफ चाहिए होगी, आप अपने आईडी प्रूफ जरूर लेके जाना, वरना आपको स्टडी मटेरियल जो है नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ पे और एक चीज़ जो यहाँ पे निकल के आई है नोटिस, उसके बारे में। नोटिस है, इग्नू ने
इग्नू ने यहाँ पे MAPC, BDP एंड BA साइकोलॉजी प्रोजेक्ट इंटर्नशिप और प्रैक्टिकल, इसका लिंक यहाँ पे दिया है और ये लिंक जो है रोज नए नए लिंक जारी कर रहा है। तो आप देख सकते हो इग्नू ने क्या कहा था। इग्नू ने यहाँ पे जो नोटिस जारी की है इसमें उन्होंने गाइडलाइन बताई है MAPC प्रोजेक्ट की, जो कि COVID-19 सिचुएशंस के लिए है। 18 जनवरी को ही ये सारी चीज़ें फिक्स हो गई थी, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे इग्नू ने ये बात आप सबको कही है। इसमें गाइडलाइन में बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए 25 जनवरी 2021 को ये पब्लिश हुई है और इस गाइडलाइन में BDP BA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर के लिए है। गाइडलाइन है ऑनलाइन कंडक्टिंग प्रैक्टिकल इन बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम BA फाइनल ईयर, BA थर्ड यानी BA फाइनल ईयर साइकोलॉजी, फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस की बात की जा रही है। गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन कंडक्टिंग प्रैक्टिकल लर्नर एग्जामिनेशंस, गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन कंडक्टिंग MA साइकोलॉजी सेकेंड ईयर, और आप देख सकते हैं गाइडलाइन फॉर ऑनलाइन इंटर्नशिप MA सेकेंड ईयर BDP BA साइकोलॉजी 25/1/2021, गाइडलाइन फॉर MAPC प्रोजेक्ट। तो आप देख सकते हो अलग अलग गाइडलाइन दी गई है जिसमें आप सबको ऑनलाइन कंडक्टिंग करने की बात की जा रही है आपके एग्जामिनेशंस की। तो प्लीज़ आप ये सब मिस ना करना, क्योंकि फाइनल ईयर के एग्जामिनेशंस तो कन्फर्म है कि यहाँ पे लिए जा रहे हैं। अब चलिए देखते हैं कि किसके किसके हैं प्रोजेक्ट। MAPC के जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं जिसके 6 क्रेडिट्स है, उन्हीं को ये बात की जा रही है कि आप इसमें एग्जामिनेशन दो। द लर्नर नीड टू अपियर अ साइनॉप्सिस फर्स्ट एंड टेक अप्रूवल फॉर इट बिफोर स्टार्टिंग द प्रोजेक्ट वर्क। आपको पहले साइनॉप्सिस सबमिट करने होंगे, उसके बाद आपको अप्रूवल लेना होगा, तब आप कर सकते हो। यहाँ पे बताया गया है लर्नर को अपने टॉपिक को डिसाइड करके रखना चाहिए फॉर स्पेशलाइजेशन टेक द सेकेंड ईयर। उसके बाद आपको बता दूँ कि प्लीज़ रिफर टू प्रोजेक्ट हार्ड हैंडबुक बिफोर स्टार्टिंग द साइनअपसिस एंड प्रोजेक्ट वर्क। आप इस लिंक के थ्रू डाउनलोड कीजिए, देखिए कि किस तरह से यहाँ पे साइनअपसिस आपके बनाए गए हैं। साइनअपसिस ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी तरह सबमिट कर सकते हैं। साइनअपसिस को 31 जनवरी से पहले आपको सबमिट करना है। साइनअपसिस कैन बी सबमिटेड बाय 30 अप्रैल 2021 फॉर अपियरिंग इन द December 2021 टर्म एंड एग्जामिनेशन फॉर दोज लर्नर्स who had registered in January 2021। जिस भी कैंडिडेट ने यहाँ पे 2021 के जनवरी में रजिस्ट्रेशन किया है यानी री रजिस्ट्रेशन किया है, उन कैंडिडेट को 30 अप्रैल 2021 तक अपनी साइनअपसिस सबमिट करने। तो आप देख सकते हैं सिर्फ यहाँ पे 2020 के कैंडिडेट के लिए ही नहीं, 21 में भी जो जो अपियर होंगे उन सब के लिए भी गाइडलाइन दी जा रही है। आप इस नोटिस को केयरफुली पढ़िए अपने हिसाब से कि आपका वाइवा वॉइस कौन से सब्जेक्ट का लिया जाएगा, कौन से सब्जेक्ट का नहीं। ऑनलाइन जो ये नोटिस है आपको यहीं पे मिल जाएगी। और उसी के साथ आपको बता दूँ इस नोटिस के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे ज़रूर देखिए, आपका लिंक दिया हुआ है, क्योंकि आप सब जो भी सवाल पूछते हैं, आपके कितने अलग अलग स्टूडेंट हैं, अलग अलग कोर्स है, आप ज़रूर देखा कीजिए कि आपके लिए क्या कहा गया है। हम आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, आप उसे ध्यान से सुनिए। तो इस वजह से यहाँ पे बताया गया है। और एक चीज़ ध्यान से सुनिए, वाइवा वॉइस फॉर लर्नर अपियरिंग 2021, जो भी कैंडिडेट 2020 के टर्म एंड एग्जामिनेशन में बैठने वाला था, उसके एग्जामिनेशन जो है थ्योरी एग्ज़ाम आर ओवर बिटवीन 16 मार्च टू 30 अप्रैल, 16 से 30 अप्रैल 2021 के बीच में उनके सारे एग्जामिनेशन जो है वो ओवर होंगे। द वाइवा कैन बी ऑर्गेनाइज बाय द RC ऑनलाइन ऑफलाइन। आपका वाइवा है ऑनलाइन ऑफलाइन आपके रीजनल सेंटर द्वारा यहाँ पे किया जाएगा, लेकिन 16 मार्च से 30 मार्च तक के बीच में आपके जो थ्योरी एग्जामिनेशंस है जो यहाँ बताए जा रहे हैं, थ्योरी एग्जामिनेशंस आपके 16 से 30 मार्च 30 अप्रैल 2021 तक के बीच में होंगे। तो आप समझ सकते हो कि आपका एग्जामिनेशन कब शुरू होने वाला है। फरवरी में नहीं होगा, फरवरी से थोड़ा डिले होगा। ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी कि 8 तारीख, जो 8 तारीख का है ना समय, वो कन्फर्म नहीं है, टेंटेटिव है, और उसके बाद ही आपका वाइवा कराया जाएगा। आप ये सारी चीज़ें ध्यान से देखना। और ये है आपका क्यूरीज के लिए, अगर आपको कोई भी क्यूरीज है ना प्रोजेक्ट्स को लेकर, तो आप इस पे ज़रूर अपने क्यूरीज को सेंड कर सकते हो और अपने सवाल पूछ सकते हो। जैसा कि आप सबको पता है
इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच, और प्लीज़ ज़रूर चेक इन कीजिए हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, कोई भी आपका सवाल हो इंस्टाग्राम पे पूछना ना भूलें, थैंक यू।